Jason Gabardi! हमारा खुद का कोई वजूद ही नहीं है, कहीं ना कहीं हमें पागल बनाया जा रहा है। अक्षय कुमार को पता है आपका टाइम कैसे खींचना है, कपिल शर्मा को पता है आपका टाइम कैसे खींचना है, यू नो बिग बॉस को पता है आपका टाइम कैसे खींचना है। कौन से ऊटपटांग कैरेक्टर, एक ढंग का कैरेक्टर बता दो उस बिग बॉस में। मैंने तो आज तक एक भी एपिसोड देखा भी नहीं, और कभी घर में कोई कभी एक दूसरे के किसी के घर गया और चल रहा था तो मेरे को समझ ही नहीं आया वो है क्या। बिग बॉस अब आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, अरे क्या सवाल करेगा उस इडियट से। और बिग बॉस भी ऐसे जेब में हाथ डाल के ऐसे खड़ा होके, हाँ तो तुमने ये क्यों किया, अरे तो क्यों किया, मतलब वो अंदर लड़े जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कुछ भी चीज पे, वो सारा ड्रामा है, सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है। तुम ऐसे बोलोगे, तुम ऐसे कुछ गिरा दोगे, और हम उसे देख रहे हैं, मतलब उसमें देखें क्या, मेरे को यही नहीं समझ में आया। कोई सीख हो तो देखें, कोई इंस्पिरेशन हो तो देखें, मतलब फालतू की फूहड़ इडियोटिक चीजें देखने। आज स्टैंड अप कॉमेडियंस के बहुत सारे शोज चल रहे हैं, सिर्फ गाली गलोच और पता नहीं बिलो द बेल्ट जोक्स है सारे के सारे, और बहुत बड़े बड़े शोज हो रहे हैं। एक तो AI भी करके है ऑल इंडिया, बाकी का आप समझ लो, और उसमें सारे इंडिया के सुपर स्टार जिनको हम सुपर स्टार कह रहे हैं वो आके सब गाली गलोच करके जाते हैं उसमें, एंड देन दैट इज सुपर हिट डुपर हिट, उसके टिकट बिकते हैं 20-20 25-25 50-50 हजार के, 1-1 लाख रुपए के फ्रंट सीट, एंड पीपल आर बाइंग इट एंड पीपल आर फ्रॉम अस। जैसे ही हमारे पास भी सबके पास पैसा आ जाएगा फिर आपको ट्रेनिंग बोरिंग लगेगी। पता है प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही आदमी के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है ना तो आदमी कहता है अच्छा मेरे पास तो ऑलरेडी नॉलेज है ना इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ, ट्रेनिंग मोटिवेशन से थोड़ी काम होता है। चलो कहाँ चलना है, कपिल शर्मा शो। दोस्तों दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड ये प्रॉब्लम है बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कैच द डिस्ट्रैक्शन। माय डियर फ्रेंड लेट मी आस्क यू दिस, पेड़ कितना लंबा होना चाहिए या कितना बढ़ना चाहिए, पेड़ कितना बढ़ना चाहिए, और कितना बढ़ता है पेड़, जितना वो बढ़ सकता है उतना बढ़ता है, पेड़ उतना बढ़ता है जितना वो बढ़ सकता है, एक पौधा उतना बढ़ता है जितना वो बढ़ सकता है, एक फूल उतना खिलता है जितना वो खिल सकता है, एक गाय उतना दूध देती है जितना वो दे सकती है, एक इंसान अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल का 1% भी नहीं बढ़ता, और सिर्फ अपने डर के कारण। बाकी तो बहुत कमजोरियां हैं लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी है डर। और पता है आपको सबसे बड़ा डर किस चीज़ का है, लोग क्या कहेंगे तो है लेकिन लोग क्या कहेंगे ये डर क्यों है, और इन सब का असर किस चीज़ पे होता है। मैं गरीब हो गया तो सबसे बड़ा डर डेफिनेटली है लोग क्या कहेंगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे ये डर इसलिए है क्योंकि हमें गरीबी का डर बहुत ज़्यादा है। हमें डर लगता है कि हम अगर कुछ अलग करेंगे और फिसल गए तो फिर से वापस से पैसों की जिक होगी, फिसल गए तो झगड़े होंगे, फिसल गए तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिसल गए तो डिप्रेशन आएगा। मैं वापस से गरीब होना नहीं चाहता, इसीलिए मैं वहीं खड़ा रहता हूं। एक काम करते हैं, न तो आगे बढ़ते हैं न ज्यादा यहां पे कंफर्टेबल है। अगर आप जीवन में पिछड़ना चाहते हो तो जहां खड़े हो वहीं रहो, ये तेजी से पिछड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है। तेजी से पिछड़ जाओ, क्यों क्यों, क्योंकि एक महीने के अंदर तो या एक साल के अंदर तो सैकड़ों क्या लाखों करोड़ों लोग आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। आप एक गाड़ी में अगर आप 20 की स्पीड से चल रहे हो, आप उसी भी स्पीड से चलते रहो, आप देखोगे जूम 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 विद इन 1 मिनट आपसे आगे 200 गाड़ियां चल जाएगी। लेकिन अगर आपको कमांड है, ट्रैफिक सही है, रोड सही है, आपको डायरेक्शन पता है, आपका गाड़ी पे कॉन्फिडेंस है, आपको अपनी स्किल पे कॉन्फिडेंस है, उसके बाद आप चलाओ ना उस रोड पे 120, आपको ओवरटेक करने वाली 1 घंटे में मुश्किल से 4 गाड़ियां होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड से चलानी है, मैं कह रहा हूँ कंट्रोल हो, रोड अच्छी हो, आपका खुद पे कॉन्फिडेंस हो, गाड़ी मजबूत हो, ब्रेक बढ़िया हो और आपकी टाइमिंग बढ़िया हो, अगर आपके अंदर ये मास्टरी है, और जिसके अंदर ये मास्टरी है वो शुमाकर तो रेस ट्रैक पे 500 की स्पीड पे गाड़ी चला लेता है कितने पे, और कोई उसके आगे नहीं जा पाता। माय डियर फ्रेंड कोई आपके आगे नहीं जा पाएगा, हमारे आगे लोग इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि हम एक ही जगह खड़े हैं, हम उतनी तेजी से बदल नहीं रहे, हम वेट कर रहे हैं कोई मिरेकल होने का। मैं कहता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मिरेकल होता है, लेकिन मिरेकल होने के लिए थोड़ा सा एक और चीज है, 23 घंटे की मेहनत, 1 घंटा माइंड की प्रोग्रामिंग। कितनी लोगों ने उल्टा समझ लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, हम 1 घंटा माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे, अच्छा अच्छा सोचेंगे, BSR सर भी यही सिखाते हैं, बढ़िया सोच, अच्छी जिंदगी जियो, अरे वाह सब आ गया सब आ गया सब आ गया, अरे अपन तो करोड़पति बन गए, हुर्रे, आ हा 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 लवली, आय हाय हाय हाय, सब मजेदार है। बस सर अब मैं बन जाऊंगा सर, स्किल किधर है, स्किल किधर है, किधर है वो सेलिंग स्किल,
किधर है वो मार्केटिंग स्किल, किधर है वो बिजनेस बिल्डिंग स्किल, किधर है वो मैनेजमेंट स्किल, किधर है वो लीडरशिप स्किल, किधर है वो कम्युनिकेशन स्किल, किधर है वो मीटिंग हैंडलिंग स्किल, किधर है वो इंस्ट्रक्शन देने की स्किल, किधर है वो डेलीगेशन की स्किल, किधर है वो रिव्यू करने की स्किल, किधर है मार्केटिंग स्किल, किधर है वो प्लानिंग करने की स्किल, किधर है ऑर्गेनाइजिंग करने की स्किल, किधर है डिस्ट्रीब्यूशन करने की स्किल, किधर है ऑनलाइन मैनेजमेंट की स्किल। बिना इन सब के बन जाओगे? तो कोई कहता है, सर अभी तो आप कह रहे थे लायन बनने के लिए सिर्फ एटीट्यूड चाहिए, शिकार करने की स्किल भी चाहिए, है ना, दहाड़ने की स्किल भी चाहिए। बट बिना दहाड़, दहाड़ने के लिए कुछ तो पीछे बैकग्राउंड चाहिए। हो सकता है मुकेश अंबानी की कम्युनिकेशन स्किल वर्ल्ड की बेस्ट ना हो, लेकिन जो उसको उसकी मीटिंग में कम्युनिकेट करना वो स्किल तो है उसके पास, जो उसको उसकी टीम बिल्ड करने के लिए करना वो स्किल तो है उसके पास, या उसके पास दुनिया का सबसे बेस्ट फाइनेंस एडवाइजर आया तो उस फाइनेंशियल एडवाइजर से या वर्ल्ड के बेस्ट फाइनेंशियल CFO से कौन सा सवाल पूछना है वो तो स्किल है उसके पास कि नहीं है? हमारे पास इनमें से कुछ नहीं है कईयों के पास, लेकिन हम कह रहे हैं हमें मुकेश अंबानी बनना है। माय डियर फ्रेंड, बन जाओगे, लेकिन ये स्किल्स मुझे कभी नहीं आएगा। मेरे को डांस करना नहीं आता सर। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है डांस करना सीखने के। क्या ऑप्शन है? मैं समय दूं, और समय भी अगर मुझे डांस इंडिया डांस में जाना है तो किसकी गाइडेंस में दूं? वर्ल्ड के किसी बेस्ट के। लेकिन हमें देखिए एक छोटा सा नियम बिजनेस का बता रहा हूँ, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास होता है थिंक टैंक। क्या होता है थिंक टैंक? क्या होते हैं? दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग होते हैं। ये लोग उनको राय देते हैं कि मुकेश अंबानी साहब या अदानी साहब या यू नो अजीम प्रेम जी साहब, आप एक काम करो, IT में इस कंपनी को अक्वायर करो। अजीम प्रेम जी कहेगा भाई क्यों, क्या मिलेगा इससे? उससे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और कोई ऑप्शन है, और ये तीन ऑप्शन है। इन तीनों ऑप्शन पे भी वो राय लेते हैं वर्ल्ड के बेस्ट से। अपन राय कहाँ से लेते हैं? हस्बैंड बिजनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आया, बोले कि यार मैं अभी तो मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया है, और इस 1 करोड़ रुपए से मैं क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं इससे प्लांट लूँ या मशीनरी लूँ या किराए पे लूँ या खुद का लगाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान तो है, उसके बिना बिजनेस बढ़ेगा नहीं। वाइफ खाना बना रही है और मूड खराब है आज, तो क्या बोलेगी वो? सब बंद करो, ये फालतू का रोज रोज का हेडेक काय को है? एक ही जिंदगी है, शांति से जी नहीं सकते? हमको कब घुमाने लेके गए थे? ओ माय गॉड, वो 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है और वो उनको बोल रही है कि कब घुमाने लेके गए थे। और हस्बैंड भी कहता है हाँ यार गिल्टी हो जाए, और थोड़ी देर में तो हस्बैंड को ऐसी गिल्ट आ जाती है कि वास्तव में कि यार अपन तो अपनी वाइफ को टाइम ही नहीं दे पा रहे, भाड़ में गया ऐसा बिजनेस एक काम करते हैं। वाइफ सही कह रही है। एक लेडी जिसको बहुत आगे को बढ़ना है, वो राय किससे लेती है? एक पड़ोस वाली लेडी से जो खुद हाउसवाइफ है। यार क्या करें, अपन को मिलके कुछ करना चाहिए। अरे क्या करेंगे, बच्चों से टाइम ही नहीं मिलता, पागल हो गए क्या? अपने को तो ये ना बाहर भी जाएंगे तो वापस आके अपने को करना पड़ेगा, इससे बेटर अपन कुछ नहीं करते। हाँ हाँ बात तो सही करी है तू, हस्बैंड तो हाथ बटाएगा नहीं, ना बच्चे पालने में हाथ बटाएगा, ना ही कुछ और करेगा, इसलिए अपन कुछ करते ही नहीं। अरे राय किससे ले रहे हो? तो राय जब हम डिस्ट्रैक्शन से राय ले रहे हैं और हम उस डिस्ट्रैक्शन को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, हमारे उस दोस्त से राय ले रहे हैं जो कि बिल्कुल नीचे। अभी आज मैं किसी से भी राय लेता हूँ ना, मैं अगर किसी बंदे को बोलूँ, मैं कल ही किसी के साथ बैठा था, मेरा एक खास दोस्त है उसके साथ बैठा था। अब क्या होता है कि जो जैसा होता है उसके साथ वैसे ही बात करनी होती है, तो मैंने कहा यार हमारा धंधा है ना वो बड़ा अलग तरह का है, इसमें मतलब इनकम फिक्स नहीं होती। बोले मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू जल्दी से जल्दी ना कोई फैक्ट्री डाल, क्योंकि उसकी फैक्ट्री है। और उसने क्या राय दी मुझे, किशनगढ़ है हमारा होम टाउन में हमारे मार्बल। बोले अभी मार्बल का ये वाला पीस ना शानदार चलता है, 3-4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, एक बार डाल दे जिंदगी भर निहाल रहेगा। अब डाल दूं मैं? है? डाल दूं? उसको क्या पता कि मेरे वाले बिजनेस में 50,000 करोड़ तक पहुंचा जा सकता है? उसको क्या पता मेरा वाला बिजनेस मुझे सेलिब्रिटीज के साथ उठाएगा बिठाएगा? उसको क्या पता मेरा वाला बिजनेस मुझे TV में और रेडियो में या शायद कल को मेरे ऊपर मूवी बनवाएगा? मैं उसकी राय मान के वो फैक्ट्री खोल लूं तो मेरे पास हो सकता है पैसा आ जाए, लेकिन इनमें से कुछ नहीं होगा जो कि मेरे को मेरे इस फील्ड में मिल सकता है। इज दैट ट्रू और नॉट? लेकिन राय मान लेते हैं हम। आज आप जाओगे और कहोगे सर मैं जा रहा हूं कल उस प्रोग्राम में, और आज सर कुछ बेचेंगे अपना। पड़ोस वाला कहेगा अच्छा ये ट्रेनर सब अपनी दुकान चला, किसी की दुकान पे मत जाना। लेकिन किसकी दुकान पे जाना? शाहरुख खान की, कपिल शर्मा की, सलमान खान की, बिग बॉस की, वो फ्री में चला रहे हैं अपनी दुकान। अरे मेरे भाई आप समझ नहीं रहे हो कितना ज्यादा आपका समय जा रहा है। सबसे बड़ी एसेट क्या है आपकी? टाइम। एंड उसको हम डिस्ट्रैक्शंस में खत्म कर रहे हैं। मिल्खा सिंह बनना है तो ये डिस्ट्रैक्शन को कैच करना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर बनना है, ये डिस्ट्रैक्शन को कैच करना पड़ेगा। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, जीतो हर हाल में, हर काल में, जीतो हर काल में,
जीतना अपनी आदत और फितरत बनाना है, जीतना अपनी आदत और अपनी फितरत बनाना है। यूं नहीं, अरे मैं क्या करूं, मैं कैसे कर लूंगा। पंकज सर, जीतना अपनी आदत और फितरत बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए बस एक लायन एटीट्यूड चाहिए, बिलीफ इन सेल्फ। मैं जीतूंगा और रोज जीतना है मुझे। मैडम अगर आप हाउसवाइफ भी है ना, कोई बात नहीं, रोज जीतना है, छोटा छोटा जीतना है, थोड़ा थोड़ा करके जीतना है, कोई बात नहीं। एक बार में हम पूरा इतिहास नहीं बदल पाएंगे। 40 साल, मैंने कहा 30 साल की तैयारी करो, 40 साल की तैयारी करो। सर ने कहा मैं नंबर 1 फार्मा कंपनी बनाना चाहता हूं। सर इसके लिए तैयारी बहुत बड़ी होनी चाहिए और कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। आप सन फार्मा को बीट करने की बात कर रहे हो, आप ऑर्डिनरी कोई मेडिकल शॉप को या मेडिकल स्टोर को बीट करने की बात नहीं कर रहे हो। यू आर टॉकिंग अबाउट सन फार्मा। दोस्तों किसको बीट करना है? सन फार्मा को बीट करना है। तो तैयारी कैसी होनी चाहिए? मुझे कल को बेस्ट को बीट करना है तो मेरी तैयारी कैसी होनी चाहिए? ऑर्डिनरी चल जाएगा, देखते हैं। अरे नहीं, ये सेमिनार तो इस तरह के तो मैंने पता नहीं कितने कर दिए, लेकिन आज फिर भी 4 घंटे आपके सामने तैयारी करके आया हूं। इसलिए नहीं कि मैं बोल नहीं पाता, मैं बिना तैयारी के और अच्छा बोल लेता हूं शायद कई बार, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए कहीं ये तैयारी करने की आदत ना छूट जाए, कहीं ये तैयारी करने का जो तरीका है वो ना भूल जाऊं मैं, कहीं ये मैं अपने डायलॉग कहीं मेरे स्लिप ना हो जाए, कहीं ये टंग, कहीं माइंड का फोकस कहीं यू नो डाइवर्ट ना हो जाए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज दिन भर कुछ नहीं किया, कोई फोन नहीं लिया, कोई टीम से बात नहीं किया, सुबह सुबह मीटिंग हो गई 9:30 बजे तक, उसके बाद मैंने थोड़े बहुत काम किया, ब्रेकफास्ट किया, तब से लेके शाम को 5 बजे तक तैयारी, और 5 बजे से मैं वेट कर रहा था कि ऑफिस का कब फोन आए और कब मैं यहाँ जाऊँ। बस तैयार हो गए 5 बजे, दिन भर की तैयारी, गाड़ी में आ रहा हूँ तैयारी, कैसे मैं शुरू करूंगा, क्या करूंगा, तैयारी। जीतो हर काल में, हर हाल में दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको 2 एग्जांपल देता हूं। कराटे किड आपने मूवी देखी होगी, कराटे किड मूवी में ये बच्चा जो है ये लड़ाई लड़ता है, ये जब लड़ाई लड़ता है तो लास्ट में इसके एक पांव में चोट लग जाती है और वो लोग इसी के उसी पांव में हमला करते हैं और उसको पूरा गिरा देते हैं। लेकिन उसके कोच ने उसको तैयारी करवाई थी कि बेटा तेरे को अगर पांव में कुछ ऐसा हो जाए तो तुझे फिर भी अपना फोकस नहीं लूज करना है। वो अपने आप का फोकस को समेटता है, उसको सब बोल देते हैं, डॉक्टर वगैरह बोल देते हैं तू मत खेल, तेरा टांग टूट जाएगा, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, तू जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाएगा, तू मत खेल। ये कोच जाता है, ये जाता है और उसको ले जाते हैं स्ट्रेचर पे बाहर। और जब इसका कोच इसके साथ अकेले में होता है तो ये कोच से पूछता है, कोच आई वॉन्ट टू प्ले, कैन यू हेल्प मी। कोच ने कहा नहीं बेटा मत जा, अभी नहीं खेलना है तेरे को। बोला नहीं आई वॉन्ट टू प्ले, बट वाई डू यू वॉन्ट टू प्ले ब्लडी। बोलता है इसलिए क्योंकि मेरा डर अभी भी मरा नहीं है, मैं उस लड़के से जिसने मेरे को मारा है ना उससे मुझे डर लगा और उससे मैं काफ़ी सालों से डर रहा हूँ, मैं उसको फिर से फेस करना चाहता हूँ, हर हाल में हर काल में खेलना चाहता हूँ। टूटी हुई टांग से वो खेला और फिर वो ऐसी किक मारा उसने कि वो जीता। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल आपको पता होगा, जब सचिन तेंदुलकर ने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया 16 साल की उम्र का या 17 साल की उम्र का ये छोटा सा प्लेयर पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है और एक शोएब अख्तर ने ज़बरदस्त बाउंसर मारी और बाउंसर इसके मुंह पे लगी और बाउंसर मुंह पे लगी, खून ही खून, खून ही खून। सभी ने कहा इस बच्चे को बाहर ले जाओ और इतनी देर में तो ये बच्चा अपना होश संभालता है और बोलता है मैं खेलूंगा, I will play हर हाल में। और उसके बाद उसने जो धुनाई की है बाकी के प्लेयर्स की, उनकी बॉलर्स की, कि शेन वॉर्न के तो सपने में आता था कि सचिन तेंदुलकर मेरे सपने में आता है आजकल। कैन यू इमेजिन दिस, है ना। शोएब अख्तर को कभी उसने छोड़ा नहीं, जिस शोएब अख्तर की स्पीड से लोग डर जाते थे, इतनी तेज वो बॉल फेंकता था, 100, कैन यू इमेजिन किस लेवल का फोकस चाहिए, 150 की, सिर्फ इतनी सी दूर से 150 की स्पीड पे आपको कोई कुछ फेंक रहा है, वो भी छोटी सी चीज, और आपको उसको बल्ले से टाइमिंग करना है, कितना कॉन्फिडेंस। और ऊपर से पूरे स्टेडियम में 50,000-1,00,000 लोग चिल्ला रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कमेंट्री बोल रहा है, इतने लोगों के भीड़ में एक्सट्रीम फोकस, कितना मेडिटेशन होगा उस चीज में, कितनी तैयारी होगी उस चीज में, कितनी कोचिंग होगी उस चीज में, कितने घंटे का पसीना होगा उस चीज में। दोस्तों सोचिए, मैं आपको 3-4 चीजें कहना चाह रहा हूँ। देखिए बहुत होगी बाहर वालों की बातें, आपकी बात अगर कर रहे हैं तो आपकी बात में हम हर हाल हर काल में क्या करते हैं ये सब। थोड़ा सा सरदर्द हुआ हमारा कमिटमेंट टूट जाता है, थोड़ी सी भूख ज्यादा लगी हमारा कमिटमेंट टूट जाता है,
थोड़ा सा कहीं थकावट ज्यादा हुई, हमारा कमिटमेंट टूट जाता है। एक आदमी को बोला जल्दी उठ, 3 दिन उठा, फोन किया मेरे को, सर आप कहते हो कमांडो ट्रेनिंग में जल्दी उठाकर, लेकिन 3 दिन से मैं उठ रहा हूं, मेरे को बहुत दिन भर थकावट होती है। मैंने कहा पगले, 90 दिन उठने के बाद समझ में आएगा कि क्या थकावट होती है कि नहीं होती, क्योंकि हमारे कमांडो ट्रेनिंग में 5,000-8,000 लोग अभी तक आ चुके हैं और उनमें से एक आधे लोगों ने ऐसी कंप्लेन की और उन्होंने गिव अप कर दिया, लेकिन जो कंटिन्यू आया, इस सहन किया इसको, क्योंकि हमारा भी सर चकरा था जब हम रात को 2 बजे सो के 4 बजे उठ जाते हैं। कई बार ट्रैवल के कारण हमें समय नहीं मिलता। कल रात को मैं इंदौर पहुंचा 12 बजे, तो 12 बजे पहुंचने के बाद रूम में सोए जब तक 1-1.5 बज गए, आज सुबह 5:30 बजे फिर से उठना पड़ा क्योंकि 6 बजे का ट्रेनिंग था। उसके बाद दिन में 15 मिनट लेटा हूं मैं, दैट्स इट, जबकि मेरे पास आराम करने का पूरा समय था। दिन भर मैं रूम में अकेला था लेकिन 15 मिनट लेटा हूं, वो भी नहाने के बाद, खाना खाने के बाद। मैंने कहा थोड़ा सा पावर नैप ले लेते हैं ताकि और फ्रेश हूं, क्योंकि 10 बजे तक बोलना है, हाईएस्ट एनर्जी में बोलना है। दोस्तों इतना ट्रेन करना पड़ता है, इट्स नॉट इजी, इट टेक्स प्रैक्टिस। ये आता है प्रैक्टिस से, आप बोल के देखिए यहाँ पे मेरी वाली एनर्जी से 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, कईयों का आपका गला बैठ जाएगा 10 मिनट 15 मिनट में। और मैं ये काम करता हूँ 30 दिन, महीने में 30 दिन मैं ब्रेक नहीं लेता हूँ जब मैं स्वस्थ होता हूँ। तो मैं सिर्फ 2 ही कंडीशन में ब्रेक लेता हूँ कि या तो साल में 1 मेरा ब्रेक जो प्लान्ड है वो, या फिर कभी मेरी हेल्थ में कुछ गड़बड़ है तो, अदरवाइज मैं ब्रेक नहीं लेता। मैं रोज नॉन स्टॉप, इवन इफ आई एम नॉट ट्रैवलिंग, 8 घंटे तो मेरा बोलना कंफर्म है रोज का, और ये पिछले 12 सालों से चला आ रहा है नॉन स्टॉप, और ये एनर्जी बढ़ती जाएगी, आप देखोगे ये कम नहीं होने दूंगा। कम हो गया तो जंग लग जाएगा, 40 के बाद थोड़ी सी कम होने लगी थी, और उसमें भी 4-5 बजे उठ जाते हैं हम लोग, और उसके बाद रात को 12 बजे तक काम करते हैं। दिन में टाइम मिला तो सो गए, नहीं तो कभी नहीं सोते। टाइम मिला तो सो गए। सर मैं नहीं कह रहा कि कोई बहुत महान काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि यस, मेरे सपनों की कीमत मैं पूरी चुका रहा हूँ एंड मुझे इस चीज़ का फख्र है। उसके बाद भी कामयाबी ना मिले तो कोई बात नहीं, वो रब की इच्छा, और जो ये चीज़ है मेरे लिए ये कामयाबी है, क्योंकि आज से 10 साल पहले मेरे लिए सपना होता था कि काश मेरे सेमिनार में 10 लोग बैठे, 15 लोग बैठे। 10 साल पहले 10 लोगों को बिठाने के लिए, मैं कल परसों ही टीम को बोल रहा था, 2015 में मैं कई सेमिनार ऐसे करता था जहां मेरे घर के हॉल में मैं बैठा होता था और 10-5 लोग मेरे घर पे आ जाते थे और उनका मैं सेमिनार कर रहा होता था। ये 2015 की बात है। आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ चेयर्स खाली, लेकिन मुझे पता है ये जर्नी मेरी है, और ये जर्नी मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट, 75% एफर्ट वेस्ट हो जाते हैं, डजंट मैटर, लेकिन उसी 75 एफर्ट्स डालने के कारण कोई आदमी चैंपियन बनता है। कोई आदमी अगर 100 मैच खेलता है तो 100 में से शायद 75 में सेंचुरी नहीं मारता, लेकिन वो जो 25, वो 75 में जो एफर्ट लेता है उसी के कारण 25 में सेंचुरी लगती है। बस ये सेंचुरी हमें भी मारनी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो जीतो हर हाल के, हर काल में। कोरोना आ गया और आपने एक्सक्यूज दे दिया, मैं तो जीत जाता लेकिन कोरोना आ गया। अरे तो कोरोना आ गया तो कुछ और कर। कोरोना में कई लोग जीते हैं, आप क्यों नहीं जीते? यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाया? ऑनलाइन क्यों नहीं गए? डिजिटल क्यों नहीं गए? वेबिनार करना क्यों नहीं सीखा अपने प्रोडक्ट के बारे में? क्यों नहीं आपने ऑनलाइन सिस्टम सीखा? नहीं, कोरोना आ गया था, ऑनलाइन सिस्टम सिखाने के तो पैसे ले रहे थे ना सर दूसरे लोग, और पैसे मैं खर्च करूंगा नहीं सर, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए सर। ये बहुत फैक्ट है लाइफ का। हम पता नहीं कहां कहां पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हम जो चीज हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है ना उस पे नहीं करेंगे। हम जंक फूड खाने पे, पिज्जा पे पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन हम पर्सनल कोचिंग लेने के लिए जिम के एक ट्रेनर पे 1,000-2,000-3,000 नहीं करेंगे खर्च। और ये हमारा सबका प्रोग्रामिंग है, हम पिज्जा खा लेंगे। हम लोग रात भर जाग के फालतू का अटम शटम, कोई दारू पी लेगा, कोई लिमका पी लेगा, कोई थम्सअप पी लेगा, कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेगा, हम उन सब पे पैसा खर्च करेंगे जो हमारी हेल्थ से लेके हमारे परिवार को बर्बाद करने की चीजें हैं। हम संस्कारों पे कई बार पैसा नहीं खर्च करते। हम कहाँ जा रहे हैं? जीतो, जीतना फितरत बनने के लिए ना एक ऐसी पावर चाहिए, अंदर का जलजला चाहिए, जुनून चाहिए, जुनून। ये जुनून ही मर गया है क्योंकि हमने सोच लिया है नहीं हो पाएगा। हमने सोच लिया है, कुछ कुछ लोगों के साथ होता है, लक के साथ होता है, और आप में से कई लोग सोच भी रहे होंगे कि नहीं मैं कर लूंगा, बट राइट फॉर्मूला के साथ होगा। क्या होगा है? देखिए क्या होता है, जब फॉर्मूला सही नहीं होता तो क्या होता है, हमारे कई दोस्त होते हैं, बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, तो एक बंदा ट्रेन में चढ़ा, ओके, क्या नाम दोस्त, मोमिन, मोमिन भाई ट्रेन में चढ़े,
मोमिन भाई ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन में चढ़ने के बाद मोमिन भाई को एक स्टेशन पे उतरना था और उस स्टेशन पे ट्रेन रुकती नहीं थी। लोगों ने बताया, अरे आर यू मैड मोमिन भाई। अच्छा, वो सारे ट्रेन में जाने वाले उसके दोस्त ही थे कहीं ना कहीं, वो रोज ट्रेवल करते थे। मोमिन पहली बार गया। मोमिन ने कहा, यार मेरे को भी वहां बीच में उतरना है। सभी दोस्तों ने कहा, हे मोमिन तेरे को पता नहीं है वो स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती मेरे भाई, वो लेबर स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती, इंदौर पे रुकती है, ये सुपर फास्ट ट्रेन है मेरे भाई, तू सुनता नहीं है, तू चढ़ गया, क्यों चढ़ा तू? अब दोस्त है हमारे, तो उन्होंने इसको सिखाया, क्योंकि दोस्त है ना, अच्छा सिखाया उन्होंने इसको सिखाया, एक काम कर, लेकिन एक चीज है, ये ट्रेन रुकती तो नहीं है लेकिन लेबर स्टेशन पे ये थोड़ी सी धीरे जरूर हो जाती है, तो जब धीरे होना तो तू ट्रेन के इंजन की तरफ मुंह करना और कूद जाना और भागना, दौड़ लगाना थोड़ा सा, ऑलराइट, और दौड़ लगाएगा तो तू गिरेगा नहीं और तू उतर जाएगा, चिंता मत कर, सिखा देंगे तेरे को। और उन्होंने उसको रिहर्सल करवाई दोस्तों ने, और उसको लेबर स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन रुकी, मतलब थोड़ी सी धीरे हुई, मोमिन को कुदा दिया। मोमिन कूदते ही भागने लगा, लेकिन मोमिन क्या थोड़ा सा तेज भाग लिया, तो मोमिन का दूसरा दोस्त संतोष जो दूसरे डब्बे में था, उसने उसका हाथ वाथ पकड़ के अंदर खींच लिया, अबे भी तेरी ट्रेन छूट जाती, अच्छा हुआ मैं दिख गया तेरे को। उसका शर्ट वर्ट पकड़ के उसको अंदर फिर से खींच लिया। बड़ा ट्रेजेडी हो गई मोमिन के साथ। हमारे साथ भी यही हो रहा है। मैं आपको ट्रेन से उतरना सिखा रहा हूं, आज शाम को ही कल सुबह ही कोई ना कोई आपको ट्रेन में वापस खींच लेगा। यू नो, रोज की कला हो रही है हमारे साथ ये। एक बार अपने लिए जोर से ताली बजा दो, ये अपना सबका कैरेक्टर है ऐसा। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, किस चीज का? बहुत ही जबरदस्त डिसिप्लिन में रहने का डिसीजन। डिक्लेयर योर एक्सपायरी डेट। आपको आज अपने आप को बता देना है कि आपका वो नया वर्जन कब आने वाला है जो कि आपका आना चाहिए। कब से आपकी ये रुकी हुई जिंदगी चल पड़ेगी, कब से आप छक्के मारने लगोगे। तीसरा क्या बताया? सेट चैलेंजिंग गोल्स, एंड चैलेंजिंग गोल्स सेट करने के बाद मेक देम पॉसिबल। चौथा क्या बताया? डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हूं मैं, ये खुद समझ में आए, और जब मैं डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हूं तो अपने आप को ट्रैक पे मुझे ही लाना है, ये भी मुझे समझ में आए, कोई और ना बताए। हमें जो डर है कि हम फेल हो गए तो हम फेल ना हो, इसके लिए हमें काम करना चाहिए ना, लेकिन हम सारे वो काम कर रहे हैं जो हमें फेल करने वाले हैं। हम उन डिस्ट्रैक्शंस में जा रहे हैं जो कि हमारी जिंदगी को बर्बाद करने वाले हैं। और उसके बाद हमने क्या बताया? पांचवा, जीतो हर हाल में, हर काल में।